कल सुबह जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब घर वापस आ जाना। अपसेट होगा इसीलिए बिल्कुल मैसेजेस नहीं कर रहा। मैं भी ना गुस्से में पता नहीं मम्मी जी के बारे में क्या क्या बोल दिया। ऑलरेडी इतने क्राइसिस चल रहे हो, ऊपर से मैंने राज को नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, आज शुरू मैंने की थी ना, फिर खत्म भी मैं ही करूंगी। ऐसा भी क्या गुस्सा कि फोन ही नहीं उठाना। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी ना, फाइन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। आई विल नॉट कॉल यू अगेन। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है कार्तिक। किससे बात कर रहा है तू? किसी से नहीं। झूठे, मैंने देखा तुझे किसी को मैसेज करते हुए। राज को कर रहा था, मुझे भी दिखा। मैं क्यों राज को मैसेज करूंगा? नहीं कर रहा तो दिखा। मैं क्यों दिखाऊं? और तू तू यहाँ क्या कर रही है? तू चल अपना काम कर, निकल चल। अभी ना तेरे और राज की चैट देखना ही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगा, क्या कर लेगी? कार्तिक मुझे तेरे चैट से ही उसे मैसेज करना है, उसे बात करनी है, करना है मुझे मैसेज, दिखा मेरे को। क्या ये सुनो यार, क्या कर रहे हैं? तू रिया से बात कर रहा है? तू इससे बात क्यों कर रहा है? एटलीस्ट तेरे राज से तो नहीं बात कर रहा था ना, और तू जा राज की जान खा, ठीक है, मेरी मत खा। कार्तिक तू रिया से क्या बात कर रहा था? नो मोर इम्पोर्टेंट, तू उससे बात क्यों कर रहा है? तुझे पता है ना कि उसने और उसकी मॉम ने कैसे टीवी के वैम्प्स जैसी हरकतें की है, और वो सब जानने के बाद तू उसे मैसेज कर रहा है, उसे हाउ आर यू रिया ये सब लिख रहा है। लाइक तुझे कोई शर्म नहीं है क्या? रिया की तबीयत खराब है इसीलिए भाई लेट हो गए थे। क्या हुआ उसे? और उसकी तबीयत से भाई के लेट आने का क्या कनेक्शन है? रिया ने भाई को बुलाया था अपने पास, पर क्यों? और उसको यही दिन मिला भाई को बुलाने का? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सोनू, भाई की शादी हो चुकी है, वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो रिया उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? और भैया उसे इंडल्ज कर क्यों रहे हैं? पता नहीं यार, वो तो मैं सही टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो भाई तो रिया को देखने के लिए निकल रहे थे, और इश्की बेचारी रिसेप्शन में अकेले रह जाती। सुन हम ये गेस्ट वर्क छोड़ते हैं, सीधा भाई से जाके पूछते हैं। नहीं यार सोनू, भाई ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, और स्ट्रेस में डालते उनको, और वैसे भी इस सब के बारे में इश्की को नहीं पता है। जस्ट इमेजिन अगर इश्की को पता चल गया ना कि भाई रिसेप्शन छोड़कर रिया से। कार्तिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एग्री यार, तू कुछ करना, कुछ सोच, पहले पता तो चले कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहे थे आप? शक ही कर रहे थे और हमेशा करते हैं। आपके तो सीवी में होना चाहिए हॉबी इश्की पे शक करना। आई स्वेयर मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था, आई स्वेयर नहीं कर रहा था। बुद्धू मुझे पता है आप मुझ पर शक नहीं कर रहे थे। ड्रामा क्वीन हो ना तो। कम से कम आपने स्माइल तो किया। स्माइल कर जितनी मेहनत मैं करती हूँ, अगर मैंने पढ़ाई में की होती ना तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कम से कम क्लर्क होती। क्लर्क? एटलीस्ट आईएएस तो बोलती। तो वो तो हाई फाई लोगों का सपना होता है ना, हमारे तो कपड़े भी सरोजनी टाइप और सपने भी। हेलो एवरीवन, भूल गई क्या किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई। कूड़े खिले कभी आंसू नहीं बहाया करते, आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं। आप लोगों ने तो अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए।
लेकिन मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। वेलकम। ये आंटी ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे तुम लोग इनको पहले से जानते हो? सोनू, तुम इन्हें जानती हो क्या? जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। आपसे प्यार करना आता था, आपसे नफरत करना सिखाया गया। समझ नहीं आ रहा कि प्यार से देखो या नफरत से, खुशी से रहूं या गुस्से से। एक्सीडेंट हो गया, मर गई। माय गॉड, अब भाई कैसे रिएक्ट करेंगे? इतने सालों के बाद देख रही हूं अपने बच्चों को, लेकिन तुरंत पहचान लिया। मेरे आहान और सोनू, आप लोग खड़े क्यों? प्लीज बैठिए ना। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, हैव अ सीट। सूरज, आप सबको तो पहचानते होंगे, शायद इन दोनों को नहीं पहचानते। ये दोनों मेरे दोनों बच्चों के लाइफ पार्टनर्स हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.